हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मोर आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7 ए संख्याओं पर आधारित प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ये आर एस अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ उसमें, और मेरा वीडियो जो भी देखना है सभी क्वेश्चन प्ले लिस्ट में दिए गए हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के व्युत्क्रम का योग 46/21 तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है, तो ये संख्याएं निम्न में से कौन कौन सी है। तो देखिएगा, कह रहा है दो भिन्न मान लेंगे, एक भिन्न आपका x मान लेंगे, भिन्न आपका भिन्न क्या है, एक x मान लेंगे दूसरा y मान लेंगे। अब कह रहा है इसको पलट दीजिए, व्युत्क्रम मतलब पलटने के बाद उसका योग पूछ रहा है, तो 1/x और प्लस 1/y बराबर आपका दिया है 46/21, ये हो गया। फिर अगला कह रहा है यदि इन संख्याओं का व्युत्क्रम का अंतर, इसी संख्याओं का अंतर कर लीजिए, तो x - 1/x - 1/y बराबर दिया गया 10/21। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका समीकरण एक ये है और समीकरण ये आपका दो है। इन दोनों को समीकरण यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस में 1/y कट जाएगा आपका, हो जाएगा इसको जोड़ लेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है तो दोनों को 1 जोड़ लेंगे। यहाँ से इसको जो है 46/21 और प्लस 10/21 इसको भी जोड़ लेंगे तो 2/x बराबर हो जाएगा ये 56/21, क्या हो जाएगा 56/21, ये कटेगा 7 8 56 7 8 56 7 3 21, तो ये हो जाएगा आपका 1/x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ का गुणा अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/6 हो जाएगा, ये आ गया। अब इस वैल्यू 1/x की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, एक में रख देंगे, तो 1/x का मान समीकरण एक में पुट कर दीजिए, तो एक में पुट कर देंगे तो 1/x प्लस 1/y बराबर दिया गया 46/21, तो यहाँ पुट कर देंगे तो 1 देखिए 1/x के स्थान पर क्या 8/6 लिख देंगे प्लस 1/y बराबर हो जाएगा 46/21। यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/x की वैल्यू निम्न में वह संख्या 8/6 जिसमें आ रहा हो 8/6, अरे सॉरी, हाँ इसको और कर सकते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो 1/x बराबर हो जाएगा 4/3, तो 4/3 देखिए किसमें आ रहा है, ये 4/3 इसमें आ रहा है, इसका मतलब आपका यही आंसर सही है। लेकिन इसको सॉल्व कर दें, इसको और कम कर काट देंगे, इसको लिखेंगे 4/3, 1/y बराबर हो जाएगा 46/21 माइनस 4/3, इसमें 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे क्योंकि हर बराबर करना है, तो 46/21 माइनस 7 4 28/21 हो जाएगा 1/y बराबर हो जाएगा, अब 16 में से 8 गए 8 और यहाँ 1/21 हो जाएगा, 3 3 से कट जाए 3 6 18 और 3 7 21, इसका मतलब y 1/y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6/7, तो आपका 6/7 आपका सी ऑप्शन सही हो गया। बस इसी को सॉल्व करना था, इसको हर बराबर करना है क्योंकि यहाँ 21 है, तो इसलिए गुणा कर दें कि 21 यहाँ भी हो जाए, तो 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो गया 7 4 28 और 21, तो इसमें से इसको घटा देंगे 46 में से 28 18, फिर उसके बाद में 3 से काट देंगे 3 6 18 और 3 7 21 हो जाएगा, तो 1/y बराबर 6/7 हो गया। अब एक वैल्यू आया है 4/3 आ गया है, तो इसमें देखिएगा x की वैल्यू 4/3 और y की वैल्यू 6/7 आ गया, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो सीधे ये हो जाता है 11/18, ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर आपका
क्या है सॉरी 11/18 क्या है 11/18 हो गया, यही आंसर हो गया। इसको सिर्फ आपको 11/18 कर देना। अब देखिएगा कैसे, दो संख्याओं का योगफल दिया है 11, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आपका दिया है 11 और गुणनफल आपका दिया है, गुणनफल नीचे बटे कर दीजिए, एक्स वाई बराबर दिया गया 18। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो व्युत्क्रम कर दीजिए ना, तो करते हैं एक्स बटे एक्स वाई और प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 11/18। यहां से वाई से वाई कट जाएगा, यहां से एक्स एक्स कट जाएगा, तो 1/y और प्लस 1/x बराबर 11/18 कर देंगे। फिर इसको सीरियल क्रम में लिख देंगे, पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिख देंगे, तो 11/18 हो गया। क्या कह रहा है, व्युत्क्रम में परिवर्तन हो गया, तो आपका क्या आंसर आ गया 11/18, ऑप्शन आपका डी सही है। बस इतना ही करना था। और अगर यहां पर माइनस होता है, पूछता कि अंतर, इसके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, तो उसे यहाँ माइनस कर देते तो माइनस में आया हो जाता है 11/18, मान आपका वही आएगा, सिर्फ 11/18 कर दीजिए। ट्रिक्स लगाए हल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 11/18 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 58 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 12/35, तो जिसमें 12/35 है वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 सी सही है, 12/35। अब देखिएगा कैसे, दो संख्याओं का योग, माना संख्या एक एक्स है और दूसरा वाई है, और उसका योग दिया है 12। फिर अगला कह रहा है 35 दिया है गुणनफल, तो एक्स और वाई मान लेंगे 35 हो जाएगा। अब ये उसी तरह से तरह जैसे पहले पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये हो जाएगा, इसको क्या करेंगे y इंटू एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स वाई, इस तरह से कर सकते हैं, चाहे इसको इधर कर दीजिए चाहे इसको इधर, क्योंकि इसको काटने में x x कट जाएगा, यहाँ से y y कट जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y बराबर हो जाएगा 12/35। आपका यही मान निकालना था, कह रहा था कि दोनों का व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो व्युत्क्रम 12/35 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 प्राप्त हो जाता है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। माना भिन्न का x है, x में 20% की वृद्धि, तो 120/100 हो गया। नीचे में हर में कितना है 25%, तो यह y इंटू 125 हो गया, 125/100 कर दिया, और उसका वैल्यू है 3/5। ये आप इसको पलट दीजिए, x 120 x 100, इसको पलटेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 125y बराबर हो जाएगा 3/5। अब यहाँ से क्या करेंगे, 100 से 100 काट देंगे, इसका काट देंगे, अब ये आपका हो जाएगा कितना, 5 से काटेंगे, 5 × 10 = 25, और ये हो जाएगा 5 × 10 = 20, और 5 × 10 = 25, इसका मतलब आपके यहाँ 24x और 25y बराबर हो जाएगा 3/5। इसको पलट देंगे, इसको क्या करेंगे, x/y बराबर हो जाएगा 3/5, और इसको पलटेंगे तो 25/24 हो जाएगा, 25/24 हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 × 25 हो जाएगा, और 3 से काटें 3 × 24 हो गया, x/y बराबर हो जाएगा 5/8। तो आपका भिन्न क्या पूछ रहा था, मूल भिन्न क्या होगा, तो मूल भिन्न 5/8 है, तो 5/8 आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यही कह रहा था। देखिएगा यहाँ से और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, 100 लिखने की जरूरत नहीं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो 100 नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप, सीधे सीधे आप सॉल्व करते हैं 120x 120x/125y बराबर हो जाएगा
इसको काट दीजिए 3/5, आपका इतना ही सॉल्व कर लेना है, आपका आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 24 और इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और 3 से काटें 3 8 24, इसको काटेंगे 5 25 हो गया, तो आपका x बटे y बराबर हो जाएगा 5/8। तो आपको तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ इतना विस्तार भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो विस्तार से इसलिए बताया है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको बेसिक में समझना जरूरी है, इसीलिए ऐसा किया हूँ। क्या करना है कि इसमें अंश और हर में वृद्धि करना है, तो 100 पहले लेंगे, 100 में 20 की वृद्धि, तो 120/100 हो जाएगा, अब यहाँ भी 125/100 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपका क्या है, ये जो यह 100 है तो ये ऊपर चला जाएगा और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इस तरह से बनता है, तो उसी तरह से कर दिया गया है। इसको फिर काटे हैं, काटने के बाद 24x/25y = 3/5, फिर इसको प्लग क्या करेंगे, अब ये चीज आपका सीधे इसके ऊपर चला जाएगा और ये जो आपका है, ये जो है आपका इसके 5 के नीचे आ जाएगा, प्लग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3/5 25/24, इसको काटेंगे तो 5/8 आ जाएगा, भिन्न आपका y x/y = 5/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 60 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये पिछली जैसे पिछला है उसी तरह से सॉल्व करना है। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी, तो देखिएगा भिन्न आपका क्या मानेंगे, x और y मान लेंगे भिन्न है, इसमें ऊपर में कह रहा है कि 20% तो 120 हो गया, फिर नीचे में क्या करेंगे, जीरो, नीचे अभी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, नीचे अगर 100 आता है दोनों अंश और हर में अगर 100% है तो नीचे 100 लिखा जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है लिखने की, और नीचे 5 की कमी हो जाती है तो 95 हो गया। अब इसकी वैल्यू आपका दिया क्या है, 5/2, इसी को सॉल्व कर लेना है, तो एक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा 5/2 और गुणे 95 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 10 5 = 20 हो जाएगा, तो एक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा 95/48, आपका वैल्यू आ गया, ये निकालना था तो 95/48 कितना, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ, और अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया भाइयों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।